भाजपा जिला उपाध्यक्ष दिलीप मुदगल बोले, मेरा साथ गलत हुआ है, मैं अपने आप को अपमानित महसूस कर रहा हूँ, कार्रवाई करने की कही बात। शिवपुरी जिला उपाध्यक्ष भाजपा नेता दिलीप मुदगल के भाई के शोरूम के ताले भाजपा विधायक प्रीतम लोधी सहित पुलिस कर्मियों की मौजूदगी में तोड़े गए थे। उसके बाद शोरूम खाली कर दिया गया था। आपको बता दें कि शोरूम संचालक मुकेश अग्रवाल का फोर व्हीलर का शोरूम दिलीप मुदगल के भाई की बिल्डिंग में किराए पर था। जनवरी 2025 का अनुबंध था, लेकिन 5 महीने पहले ही शोरूम खाली करने की बात टाटा मोटर्स द्वारा कही गई। इस पर दिलीप मुदगल ने कहा कि हमने उनसे कहा था कि आप 1-2 महीने का किराया कम दे दीजिए और उसके बाद शोरूम खाली कर दीजिए, क्योंकि जनवरी 2021 तक का अनुबंध था। लेकिन दिलीप मुदगल ने आरोप लगाया है कि उन्होंने किराया देने की बात नहीं कही थी। साथ ही वह धीरे धीरे शोरूम में से सामान निकालने जा रहे थे, जिसके बाद एक गाड़ी शोरूम में बची थी और कंपनी वाले शाम को ताला लगा कर जा रहे थे, तो हमने भी अपना ताला डाल दिया, जिसके बाद अपना पूरा सामान ना ले जा सके। इसके बाद पिछोर विधायक प्रीतम लोधी पुलिस के साथ पहुंचे और उन्होंने ताला तोड़वा कर शोरूम खाली करवा दिया। दिलीप मुदगल ने कहा कि इस तरह से पुलिस को लाना और ताले तोड़वाना सही नहीं है, ये तो सरासर गलत है और मैं कोई क्रिमिनल नहीं हूं कि इस तरह पुलिस लाकर मेरे शोरूम के ताले तोड़वाए गए हैं। दिलीप मुदगल ने पार्टी के वरिष्ठ लोगों से सलाह लेकर आगे की कार्रवाई की मांग की है। आपके द्वारा ये आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है, जिसमें कल एक घटनाक्रम हुआ था टाटा मोटर्स के शोरूम को लेके, उसमें ऐसी क्या समस्या आ गई जो पुलिस को यहाँ आके शोरूम खुलवाना पड़ा? ये तो आप मुकेश अग्रवाल जी से भी पूछ सकते हैं कि चूंकि हमारे यहाँ वो 8 साल से लगभग यहाँ शोरूम चला रहे थे और सहमति से चला रहे थे, जब एकाएक जब जाने लगे तो हम अपना बराबर किराया मांग रहे थे, तो ये तो वो ही बता सकते हैं। किराया कब तक का आपके पास था? अगस्त तक का। तो क्या वो आगे किराया देने को कंटिन्यू नहीं थे? वो मना कर रहे थे। उन्होंने ऐसे कागज उपलब्ध कराए जिसमें सितंबर माह का किराया आपको मिल चुका है और आगामी किराया भी वो देने को तैयार थे। उनका कहना ये था कि हमने खाली नहीं किया था, अभी भी कब्जा हमारा ही है। आज भी उनका यही कहना है। हाँ। उनसे जो आज हमारी वार्तालाप नहीं, तो नहीं, आज भी उनका ताला उन्हीं का डला हुआ है। तो फिर और ना उन्होंने अभी हमको किराया नहीं, पूरा शोरूम खाली करके जा रहे थे, तो हमने अपना और खुद मेरे को फोन लगाया था कि हम शोरूम खाली करके जा रहे हैं, तो मैंने निवेदन किया था कि भाई भैया का जो भी किराया है वो किराया क्लियर करके जाना और एक आज मैंने कहा कम भी दे देना भाई साहब। उन्होंने ही फोन लगा के बताया, उन्होंने स्वयं ने बताया और उनके मैनेजर बुस्नु ने भी बताया। कल ये जो घटनाक्रम यहाँ पे हुआ, पुलिस को आना पड़ा, विधायक आए यहाँ पे, उनमें आपने आपसे कोई बात नहीं करी? उनने मेरे से कोई बात नहीं करी, मैंने चूंकि स्वयं विधायक जी से बात करना चाहा और उनसे मैंने कहा कि अपन भीतर बैठ के शोरूम बैठ के और अपन जो भी मैटर है निपटा लेते हैं। ताला किसने तोड़वाया था? ताला पुलिस की मौजूदगी में मुकेश अग्रवाल जी और विधायक जी ने खुद खड़े होके ताला तोड़वाया। आपने विधायक जी से बात की तो उनकी क्या प्रतिक्रिया थी फिर आपकी बातों के खिलाफ? विधायक जी ने कहा कि पहले इस ताले को निकालो नहीं हम ताले को तोड़ देंगे। अब क्या स्वामी करके कोर्ट में जाएंगे आप? हाँ, मैं कोर्ट में भी जाऊंगा और मैं ज्ञापन भी दूंगा। कोर्ट में किनके खिलाफ जाएंगे? मैं सभी जो मुकेश अग्रवाल जी है, जो भी जिन जिन लोगों ने मेरे यहाँ इस तरह की गुंडागर्दी की, नहीं और किन की विधायक के खिलाफ, जैसे विधायक जी भी है और भी है, तो मैं सभी का मैं अभी बात रखूंगा माननीय न्यायालय में। क्या विधायक ने कल आपसे बदतमीजी भी करी? विधायक जी ने मेरे से केवल ये कहा कि आप ताले निकालो नहीं हम ताले तोड़वा देंगे। अरे एक चीज जैसे आप बता रहे हैं, आपने पूरे घटनाक्रम के दौरान पार्टी के पदाधिकारियों को विधायकों को फोन लगाए पर किसी ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी, तो क्या इस प्लेटफॉर्म पे आपको लगता है कि पार्टी ने आपका बिल्कुल साथ नहीं दिया? जबकि ये प्रीतम सिंह जी भी आपकी पार्टी की विधायक है, उसके बाद भी इस तरह का घटनाक्रम? नहीं, मैंने पार्टी के कुछ वरिष्ठ लोगों को लगाया, उनके बराबर फोन भी आए थे और उन्होंने एक आश्वासन भी दिया था कि हम तुम्हारी बात को रखेंगे। मैंने जिलाध्यक्ष जी से भी कहा तो उन्होंने कही कि मैं भी बात करूंगा और आप भी फोरम पर आओ। क्षेत्रीय विधायक जी को फोन लगाया तो उनका फोन बिजी जा रहा था उठाने, अभी तक नहीं आया फोन। तो अभी मेरी सुबह से कोई बात नहीं है भाई साहब, मेन बॉडी में हो भाजपा की, मैं जिला उपाध्यक्ष हूं, विधायक आपका फोन नहीं उठा रहे। एक चीज आपके खिलाफ तो आवेदन भी लगा हुआ और पुलिस का कह रहा है जांच में चल रहा है। हां, तो अभी हमने कोई आवेदन नहीं दिया, अभी हम आवेदन देंगे उनको अभी आज सुबह से, चूंकि हम तो हमारे हम आपने भी तक आवेदन नहीं दिया। ऑडियो भी आपके खिलाफ उन्होंने जारी करे, मीडिया में ऑडियो जारी किया टाटा मोटर्स वालों ने, वो हमारे मेरे ऑडियो नहीं है, वो गलत है और वो स्टेटमेंट वगैरह वो चूंकि हमको वो भी अभी हम भी आपको छुट्टी पड़ गई वो नहीं, हम आपको बुधवार को हम भी उपलब्ध करा देंगे।
क्या क्या लगता है आपको, जो स्टेटमेंट उन्होंने उपलब्ध कराया है वो सही नहीं है? उन्हें सितंबर माह का किराया नहीं दिया, किराया नहीं दिया। आगे क्या कार्रवाई करोगे उन पर? अब जो कानूनी अनुरूप जो सलाह लेकर कार्रवाई करेंगे।